जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने जिला परिषद सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया है कि विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। रमेश ठाकुर आज यहां जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर शीघ्र सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों पर पूर्व में चर्चा होने से नई समस्याओं के संबंध में बैठक में विचार करने के लिए अधिक समय मिलता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का ये प्रयास रहता है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग से जनता की समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जा सके। रमेश ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति के माध्यम से समस्याएं शत प्रतिशत सुलझाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को जिला परिषद की बैठक का अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनानी चाहिए। उन्होंने बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आज की जो हमारी त्रैमासिक बैठक हुई इसमें 64 मत आए थे, पिछले जो पुराने मत थे 12 इसमें नए मत आए हैं और इसमें हमारे जो पूर्ण हुए आज जो मुझे लगता है कि 12 या 14 मत हमारे पूर्ण हो चुके ड्रॉप किए जो हमने आज जिन पर कार्य हो चुका है। और दूसरा है कि जो अधिकारी आज नहीं आए थे तो उनको एक नोटिस जारी करेंगे। कुछ मुझे लगता है कि वैसे तो मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पे आए थे, 2-3 विभागों के अधिकारी नहीं आए थे, उनको नोटिस जारी करेंगे, कार नोटिस पूछेंगे। तो सर मेन जैसे कि अगर बसों की बात की जाए या बिजली विभाग से ज़्यादा मुद्दे थे और उसको लेके किस तरह के रही सर? नहीं, जैसे HRTC जो हमारे बसों के मुद्दे थे उसमें अभी एक मीटिंग होनी है RTU की, जो RTU की मीटिंग होनी है तो उसमें वो उन मदों को रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका जो अगली बार शायद सोल्यूशन होगा, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार मुझे लगता है कि इनका सोल्यूशन हो पाएगा। आज की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में हमारे पास पुराने 64 मदे थी जिसमें से 12 मदे हमारी समाप्त हो गई जिस पे माननीय सदस्यों ने सहमति दी और कुछ नई मदे लगभग 15-16 नई मदे भी शामिल की गई है जिन पे आने वाली बैठक में चर्चा किया जाएगा। तो जो कुछ मुख्य मुद्दे हमारे रहे वो बस रूट को लेके रहे हैं जिसमें RTO सोलन, RTO बद्दी, साथ ही साथ कंसर्न जो HRTC की RM है उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इनकी तरफ से ये कहना था कि इन्होंने फाइल बना के भेजी थी RTA को जो कि हमारे राज्य स्तरीय लेवल की समिति है जो फाइनल करती है, वहाँ से ये किसी कारणवश पास नहीं हो पाया था, इसको फिर वापस से कोशिश करेंगे। तो लगभग हमारी 10 ऐसे मदे हैं जो बस रूट को लेकर हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाली त्रैमासिक बैठक से पहले वो भी हमारी जो बस रूट को लेकर मदे चल रही है वो ड्रॉप हो जाएंगी। कुछ बिजली विभाग की समस्याएँ थी ज़्यादातर, खास करके हमारे कुनिहार, अर्की और बद्दी एरिया में, तो उसमें से काफ़ी सारे मदों पर कार्य कर लिया गया था। हालांकि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जिनको बार बार नोटिस देने के बावजूद वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। अगर उनका स्पष्टीकरण सही नहीं पाया जाता तो उनके खिलाफ जिला परिषद की तरफ से जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर नशे को लेकर भी माननीय सदस्य जिला परिषद के द्वारा एक मद रखी गई थी जो कि काफ़ी अच्छी पहल है जिला परिषद सदन की तरफ से कि नशे निवारण को लेकर एक मद डाली गई जिसमें हर बैठक में चर्चा की जाती है। तो इस बार भी चर्चा की गई, इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस विभाग की तरफ से ASP सोलन उपस्थित थे जिन्होंने विभागों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में बताया है। अब मुझे लगता है कि ये विषय जिला परिषद सदन में लाने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि इसमें हम समीक्षा कर सकते हैं 3 महीने पर कि क्या कार्रवाई अलग अलग विभागों द्वारा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलन को नशा मुक्त भारत अभियान में भी शामिल किया गया है तो जिला प्रशासन और अन्य विभागों की मदद से जिला स्तरीय एक कार्य योजना बनाई जा रही है जिसमें माननीय सदस्यों के सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में नशे पे हम अंकुश लगाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है सर। हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।